छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 6 लोगों की इस लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का नाम भी शामिल है, जिसने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। ऐसे मूर्ख कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के साथ ही कांग्रेस ने सोमवार देर शाम 6 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया है और वो मौजूदा मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी। करुणा शुक्ला पहले बीजेपी में थी और जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन बाद में बीजेपी में अनदेखी से नाराज करुणा शुक्ला ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 12 नवंबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर होगी। पहले चरण में 18 सीटों पर चुनाव होगा। इससे पहले कांग्रेस ने 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी।